killing spree for the red team. Hey guys, this is KU Exotic Gaming. Welcome back to a new video. तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को TDM की टॉप 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को 1v1 की फाइट जीतने में हेल्प मिलेगी। एंड गाइस मुझे पता नहीं काफी सारे बंदे कंजूस की क्यों करते रहते वीडियो को लाइक करने में। इफ गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस हमारी टिप नंबर 1 है यूज बॉडी पिक रादर देन नॉर्मल पिक। तो देखो क्लोज रेंज की फाइट हो या फिर मिड रेंज की फाइट हो आप लोग पीक जरूर से करते होंगे। अगर आप लोग भी क्लोज रेंज के फाइट में नॉर्मल पीक यूज करते हो तो ये आप लोग काफी बड़ी मिस्टेक करते हो। बिकॉज जब आप लोग नॉर्मल पीक करते हो ना तो एनिमी की पीओवी से देखो यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ हेड विजिबल होता है तो इससे आप लोगों को हेड लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एंड अगर एनिमी की रैंडमली 1 से 2 बुलेट आपके हेड पे लग गई तो आप लोग किल हो जाओगे। बट जब आप लोग बॉडी पीक यूज करोगे ना तो इस पे आप लोगों को हेड लगने के चांसेस काफी कम रहते हैं बिकॉज आप लोगों की इस पे हेड उतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती है। तो एनिमी की पीओवी पे देखो सिर्फ आप लोगों की आर्म एंड लेग विजिबल है। अगर आप लोगों की आर्म्स एंड लेग पे बुलेट हिट करेगी तो आप लोगों की एचपी उतनी ज्यादा डाउन नहीं होने वाली जितनी आप लोगों की हेड पे लगने पे होती। तो आप लोग ये वाली वीडियो चेकआउट कर लो, इस पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो के लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो हमारी जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि जब कभी भी आप लोग क्लोज रेंज की फाइट लो ना तो ऑलवेज ट्राई करना अपनी राइट साइड से फाइट लेने की। बिकॉज हमारा जो कैरेक्टर होता है ना वो राइट हैंडेड होता है। तो अभी आप लोग ध्यान दो, हमारा जो ये क्रॉस एयर का पोजीशन देखो हमारी राइट वाली शोल्डर के ऊपर है। तो ये हमारा जो कैरेक्टर है देखो गन भी राइट वाली हैंड पे ही अपना पकड़ कर है, इसलिए जब आप लोग राइट साइड से फाइट लोगे ना तो आप लोगों को थोड़ी अपर हैंड मिलेगी। तो देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अपनी लेफ्ट साइड से फाइट लिया एंड ये एनिमी की राइट साइड थी। तो एनिमी को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा था वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो जब आप लोग लेफ्ट साइड से फाइट लोगे तो आप लोगों का बॉडी पहले विजिबल होगा, क्रॉस एयर बाद में। बट जब आप लोग राइट साइड से फाइट लोगे तो आप लोगों का क्रॉस एयर पहले विजिबल होगा, आप लोगों का बॉडी बाद में। इससे आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगी कि आप लोग प्री एम प्लेस कर पाओगे अपनी टारगेट पे। इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम से आप लोग क्लोज रेंज की फाइट लोगे तो आप लोग ऑलवेज ट्राई करना कि राइट साइड से फाइट लेने की, इससे आप लोगों को अपर हैंड मिलेगी। तो गाइस हमारी टिप नंबर 3 ये कि अगर कोई बंदा किसी भी कवर के पीछे टीपीपी ले रहा है तो उस बंदे को किल कैसे करे। तो ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कोई बंदा किसी भी कवर के पीछे टीपीपी लेता है एंड जब हम उन्हें सामने से मारने जाते तो वो बंदा हमें किल कर देता है। तो ऐसे बंदे को कैसे किल करना है अभी आप लोग ध्यान दो। सपोज मैं इस वाली कवर के पीछे टीपीपी ले रहा हूँ एंड सामने से एनिमी मेरे पे पुश कर रहा है। तो देखो जब मैं लेफ्ट साइड से टीपीपी लूंगा ना कवर पे तो उतनी ज्यादा मुझे एरिया विजिबल नहीं होगी। बट जब मैं राइट साइड से टीपीपी ले रहा हूँ तो देखो मुझे कितनी ज्यादा एरिया दिख रही है। एंड जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को टिप नंबर 2 में बताया था कि अगर आप लोग लेफ्ट साइड से फाइट लोगे तो आप लोगों को थोड़ी डिसएडवांटेज होती है, राइट साइड से फाइट में आप लोगों को थोड़ी अपर हैंड मिलती है। तो इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल शो करता हूं। तो इस वाली क्लिप पे अभी आप लोग ध्यान देना। तो देखो सामने यहां पे एनिमी इस वाली कवर के पीछे है अभी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी पीओवी दिखाता हूं। तो देखो मैं इस कवर के पीछे टीपीपी ले रहा हूं एंड सामने से बंदा मेरे पे पुश कर रहा है। तो मैं काफी इजीली कवर का यूज कर करके बंदे को किल कर दिया। देखो यहाँ पे मैं टीपीपी ले रहा था एंड बंदा राइट साइड से यहाँ पे पुश कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं कवर का यूज काफी अच्छे से कर पा रहा था, मुझे उतनी ज्यादा अपनी बॉडी को रिवील करना नहीं पड़ रहा था एनिमी की पीओवी पे जैसे अभी आप लोगों ने देखा। तो ऐसे में आप लोग क्या करना, एनिमी जिस भी डायरेक्शन में टीपीपी ले रहा आप लोग उसके लेफ्ट साइड से जाना, जिससे एनिमी को ये प्रॉब्लम होगा कि एनिमी अपनी कवर से बाहर निकल कर आपको मारेगा। जैसे कि अभी आप लोग देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से एनिमी के पीओवी पे मैं आया हूँ तो एनिमी को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो मुझे किल करने में, वो कवर का प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं कर पाया। देखो कितना ज्यादा वो अपनी बॉडी को विजिबल किया था। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, जब एनिमी आपके सामने टीपीपी लेता पहले देखना कि एनिमी की लेफ्ट कौन से डायरेक्शन पड़ी, वहां से आप लोग पुश करना, तब एनिमी अपनी कवर का यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो गाइस हमारी टिप नंबर 4 ये कि जब भी आप लोगों की क्लोज रेंज में फाइट होती रहेगी ना तो आप लोग भी ऐसे ही ओपन में जाके जिगल जिगल करने मत लग जाना, तो इससे आप लोग पिट जाओगे काफी इजीली अगर आप लोगों की एम अच्छी नहीं रहेगी। तो आप लोग क्या करना, जिगल करते करते कवर के डायरेक्शन पे जाना, देखना आप लोगों के आजू बाजू पे जिन भी डायरेक्शन पे कवर है आप लोग उसी डायरेक्शन पे जिगल करते हुए जाना। तो इससे एनिमी को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, एक तो एनिमी को लगेगा कि आप लोग कवर पे जाने वाले, दूसरा एनिमी का एम भी चूक होने वाला है। तो गाइस हमारी टिप नंबर 5 ये कि जब भी आप लोगों की क्लोज रेंज में फाइट होगी ना तो आप लोग उस टाइम पे सिर्फ जिगल करने मत लग जाना। बहुत बंदे ऐसे क्या करते कि सिर्फ जिगल करने लग जाते, तो आप लोग क्या करना, जिगल करते करते सडनली क्राउच कर लेना या फिर वन साइडेड मूवमेंट देना, इससे एनिमी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ये सारी वीडियो चेकआउट कर लेना।